स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फैक्ट ए बॉस। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो डायमंड के बारे में नहीं जानता होगा। हीरे की गिनती दुनिया की सबसे मूल्यवान धातुओं में होती है। यह इतना आकर्षक होता है कि इसे पहनने की इच्छा हर व्यक्ति में जागृत हो जाती है। मूल्यवान डायमंड की प्राप्ति केवल प्राकृतिक खदानों से ही होती है और इस मामले में साउथ अफ्रीका दुनिया का पहला लकी देश है, क्योंकि विश्व में 95% हीरे साउथ अफ्रीका की खदानों से ही प्राप्त किए गए हैं। भारत की बात करें तो हमारे देश में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में डायमंड की खदानें मौजूद हैं। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो अंग्रेजी शासन काल में भारत से ब्रिटेन ले जाया गया था, वही कोहिनूर हीरा पन्ना जिले के खदान से ही मिला था। हम जिन हीरों की चमकदार और आकर्षक आकार में देखते हैं, वह असल में खदान से एक पत्थर के जैसे मिलते हैं और इसके बाद इन्हें कुशल कारीगरी से तराशा जाता है। हीरा इतना महंगा क्यों होता है? बता दें कि हीरा इतना महंगा इसलिए है क्योंकि हीरे को बनने में कई करोड़ साल लग जाते हैं। यह उच्च तापमान और कई रासायनिक बदलाव के बाद बनता है। यह 140 से लेकर 190 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है, जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसे खदान से निकालने के बाद तराशने की प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है। काफ़ी मुश्किलों के बाद जब हीरे को खदान से निकाल लिया जाता है तो इसे अनुभवी कारीगरी द्वारा तराशा जाता है। तराशने की प्रक्रिया में अगर हल्की सी भी गलती हो जाती है तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हीरा दुनिया की सबसे कठोर चीज़ है। ऐसे में हीरे को सिर्फ हीरे से ही काटा जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।